जानकारी घर के दोनों बच्ची के शादी में 50,000 रुपया हमरा तरफ से और एकरा हमरा तरफ से मदद बेटी के। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स और मैं हूँ दुर्गा यादव, अपने सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र यादव जी के साथ। आज मैं अभी पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के आलम नगर प्रखंड के बरगांव पंचायत, जहां पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के रात्रि गोलीबारी की घटना घटी थी। जिस गोलीबारी की घटना में दो लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हुई थी। आज यहाँ बरगांव पंचायत शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजनूर पप्पू यादव जी पहुंचे हैं। लगातार चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी जो रंजिश बढ़ी है और जो जिस तरीके से घटना में देख रहा हूं, समाज में जिस तरीके से तनाव है, हमने इसीलिए एसपी साहब से बातचीत की कि किसी को ये मलाल ना रह जाए किसी भी पक्ष को कि कोई एक तरफा पप्पू यादव बोल दिए। हमने बहुत क्लियर कहा कि उस पर भी आप स्टे कर दीजिए, जो बाद में केस हुआ गलत तरीके से, और आप जांच करिए। हमें जो जानकारी मिली कि जो लोग यहाँ आए बाहर से या जिन लोगों को मंगाया गया, तो यदि नाम तो गांव वाले ने हमको दिया, तो हमने उसको सीसीटीवी कैमरा का आधार मान करके हमने कहा कि आप इसको जांच कर लीजिए। यदि सीसीटीवी कैमरा से आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग आए, कहाँ खाना पीना खाए, क्या खाए और फिर घटना का क्रम क्या रहा, इस इलाके के दुनिया को पता है यह घटना एक तरफा हुई है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसमें कोई बहस नहीं है, यह घटना एक तरफ से क्रिमिनल के द्वारा की गई। उनके पिता हैं, यहाँ पर सारे लोग हैं इस इलाके के। मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद जिन लोगों ने घटना किया वही मुखिया बन गए। मुझे लगता है कि मुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे समाज पर, ऐसी सोसाइटी, इतनी गंदी सोसाइटी, इतना कमजोर और कायर सोसाइटी, इतना दबंगियत तरीके से गोली मारी गई, मार दिया गया, दो लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों मौत हो सकती थी, और उसके बाद उन्हीं को स्वीकार कर लेना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हमको जानकारी नहीं मिली। आज बहुत लोगों ने फोन किया हमको कि आप प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। हमें आश्चर्य हुआ, मेरे पीए को फोन किया गया कुछ लोगों के द्वारा। हम इनसे पूछे, नागेंद्र त्यागी जी हमारे ऑल इंडिया युवा शक्ति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमने इनसे पूछा कि नागेंद्र जी घटना क्या है बरगांव, आपको पता है? इन्होंने हमको बताया, हम तो जानकारी नहीं थी हमको कि मंडल, हमको तो ये लग रहा था कि बरगांव का मतलब हो सकता है एक तरफ मंडल फैमिली होगा तो शर्मा फैमिली दो चुनाव लड़े होंगे और इन लोगों गोली बारूद कर लिया होगा। हमें यहाँ जानकारी मिली कि जो वीरेंद्र सिंह है वो पहले राजद के अध्यक्ष हुआ करते थे, क्रिमिनल्स लाए गए, ये भी जानकारी थी कि गोली किसी एक तरफ से ही अंधाधुंध चली। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूँ, गोली किसी भी एक पक्ष से क्रिमिनल के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई और जिसमें ये बड़ी घटना घटी है। ये घटना छोटी नहीं है, लेकिन अभी तक कार्रवाई पूरे मुकम्मल तौर पर नहीं होना ये दुर्भाग्य है। मैं मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करूंगा। कई घटना है, बाढ़ की घटना है, जकनपुरा की घटना है, यहाँ की घटना है, मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री हमें समय दे। मुख्यमंत्री यदि नहीं मिलेंगे तो मैं गृह मंत्री से समय लेकर के विजेंद्र जी से मैं बात मिलूंगा, बात करूंगा, और मैं निश्चित रूप से इस केस को, बड़गांव के केस को मैं सीरियस लूंगा। चाहे जितना बड़ा कोई आदमी हो, जितनी ताकत हो, मुझे उस पर कोई लेना देना नहीं है। घटना किसी क्रिमिनल के द्वारा हुआ है, मैं जस्टिस में राजनीति नहीं करने दूंगा।
ये मेरे लिए कोई बरगांव बहुत क्लियर है। मैं यहाँ चूंकि मुझको सब जगह बगल में अभी पूरे नहीं जाना है जहाँ बलात्कार की घटना घटी है, मासूम बच्ची के साथ को मार के बलात्कार करके जिंदा जला देना, मार देना। अभी अररिया में हम 20 एक लड़के 20 बच्चियों के साथ बलात्कार किया, हम कहाँ बक्से। मैं नहीं बकसता हूँ न बक्सूंगा। पप्पू यादव का मतलब सिर्फ ट्रस्ट है, विश्वास है, जस्टिस है। और यदि हम यहाँ आए हैं और इस पक्ष से एक भी गोली नहीं चली है तो अपराधी को कोई नहीं बचा पाएगा। एसआईटी की जांच कर ले या नहीं तो आप उदा किशनगंज डीएसपी को छोड़ मधेपुरा डीएसपी को आप जांच की प्रक्रिया दे दें या खुद एसपी साहब इसकी जांच कर ले। एसपी साहब बिका हुआ है सर। क्लियर एसपी साहब ने बहुत क्लियर मुझको कहा कि दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। मैं भरोसा ही कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए डीआईजी आईजी मुख्यमंत्री और जरूरत पड़ेगी तो बहुत ऊपर तक भी जाने के बाद। बीरनगर में इसके पहले हफ्सियों ने जानवरों ने कितना बलात्कार किया और पप्पू यादव नहीं जाते तो वो गिरफ्तार नहीं होते। मैं एसआईटी जांच की मांग किया हूं और बरगामा थाना प्रभारी को उसी तरीके से जो बलात्कारी है वो पहले भी उस गांव में वो लड़का छेड़छाड़ किया था उस पर पहले भी एक घटना। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं और जिस तरीके से जो बलात्कारी है उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, संभव उसको एसआईटी जांच। मैं चाहूंगा कि 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा हो, उसको बचना नहीं चाहिए। हमें कहां से उसके लिए जस्टिस के लिए फोन आया कि पप्पू यादव जी क्या आपके बिहार में आपके रहते जस्टिस नहीं मिलेगा। मैं उस दिन से लगा हुआ हूं, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इसमें कोई राजनीतिक तहत कोई फंसे नहीं, कोई परिवार वाला किसी का बाप किसी का भाई हो सकता है, जो बलात्कार करने वाला है वही बहुत क्लियर है कि जो सामने में है उसी पर एफआईआर भी हो और वही उसी पर कार्रवाई भी हो। तो अभी मैं जा रहा हूं, जरूरत होगी तो उस परिवार की सामाजिक आर्थिक तौर पर भी मदद करूंगा। जो लोग घायल हैं इस घटना में अभी से ही उसकी पूरी इलाज पप्पू यादव के द्वारा होगी, उसमें एक भी खर्च पूरा जिंदाबाद दिक्कत नहीं होगी पीएमसीएच में। कल मैं सुबह पीएमसीएच जाके उस बच्चों से मिलूंगा, लेकिन आप भरोसा रखिए रत्ती भी न्याय में कमजोरी नहीं होने देंगे। हम जिंदा जब तक रहेंगे तब तक इस गांव पर और इस केस में जो दबंगई किया है उसको चैलेंज है मेरा, उसको पप्पू यादव से लड़ना होगा। न्याय में कोई कमी नहीं होगी।